चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद में ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस है वो नहीं हो रहा है। तकरीबन एक साल से जो ग्रेटर हैदराबाद ने WSL जो कंपनी को अग्रीमेंट किया है, वो लोग एक साल से मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, ग्रेटर हैदराबाद में 6 जोन है, 6 जोन इतना बड़ा एरिया है, जैसा कि चारमीनार जोन हो, या खैरताबाद जोन हो, शेरनिगमपल्ली जोन हो, या सिकंदराबाद जोन हो, या ईस्ट जोन हो, तो इन एरियों में कई जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक्सीडेंट होने की वजह यही है कि रातों में अंधेरा रहने की वजह से, और इसमें कई नेशनल हाईवे रोड भी है, और सिटी के मेन मेन चौरसे हैं, वहाँ पर हाईमार्क्स जो बिग हाईमार्क्स रहते हैं वो बंद है, और ख़ास तौर पर जो सेंटर मीडिया लाइट जो रहती है बड़े बड़े रोडों के ऊपर वो बंद है। दूसरी चीज़, जो बस्तियों में जो लोकेलिटी में जो मेंटेनेंस जो रहता है इलेक्ट्रिकल का, स्ट्रीट लाइट का, वो भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है साहब। तो मैं आपके ज़रिए हमारे इंचार्ज मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद अपना तेलंगाना का बहुत बड़ा अपना ये शहर है, इसको अपन चमकाने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हुकूमत पैसा दे रही है मगर काम नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर WSL वालों से बात करके इसको जल्द से जल्द कराने से शहर हैदराबाद की आवाम को बहुत सहूलत होगी। क्योंकि मेरा ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि ये शहर में पूरे लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरों को इससे सहूलत पहुँचेगी। दूसरी चीज़, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं अंधेरे की वजह से, तो इसके ऊपर भी तवज्जो देना चाहिए। बारहा हमारे कायदे मुखन्ना मोहतरम मुखाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी ग्रेटर हैदराबाद के कमिश्नर बात कर रहे थे साहब। शुक्रिया। MS प्रभाकर घर सर, थैंक यू सर। नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं देते, जवाब कैसे मिलता, नहीं खाली नोट कर लेते। ये स्पेशल मेंशन है ना, नहीं आपका, नहीं भाई, किनका भी जवाब नहीं देते, वो खाली मेंशन करते, आप मेंशन करे तो नोट कर लेते। नहीं साहब, अभी दिए ना, नहीं दिए, पहले पहली बार मालूम नहीं है, दिए हैदराबाद का इतने जनों के जाना चले आ रहे लोगों के, लाइट नहीं जाना चले आ रहे। गौरव सभी लेपिंदी 6 जोन లో చార్ ఇన్ వన్ జోన్ లో మెయింటెనెన్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెయింటెనెన్స్ బాయ్ 1 మినిట్ బాయ్ బాయ్ 1 మినిట్ మంత్రి గారు వారికి తెలుగు